भी प्रदर्शन किया है और दूसरी तरफ से चेतन, दोनों स्टार खिलाड़ी। पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो अब पवन है एक्शन में, तेरे नंबर खिलाड़ी पवन रेड आर्मी की तरफ से, और समर्थन मिल रहा है दर्शकों का भरपूर तालियों से स्वागत करते हुए दर्शक। हेलो, क्या गजब का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला, जैसा देखने की उम्मीद दर्शकों को, बिल्कुल ऐसा देखने को ठीक लगाने का प्रयास। और ये मुकाबला है डिफेंस से अभिवादन करते हुए सभी दर्शक इस रेट का, चेतन सात नंबर खिलाड़ी, क्या बेहतरीन बात है, अंकिता एक निकल के आ रहा और सामने से हमें एक का सपोर्ट मिला और संयुक्त टैकल बना दिया इसको। ये ऊपर से ये रख रखा है पवन, इधर कमाल का खिलाड़ी, तेरह नंबर खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, पहले टच में एंटर रूम लिया था, क्या रूम दे रहे हैं कमाल का खिलाड़ी, बहुत ही प्रदर्शन, जबरदस्त चौकी लगाई थी पवन ने, बोनस मिला है और सुपर टैकल का मौका है, आकाश आए हैं तेरह नंबर खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन, दोनों हिंदी में बात रही है, ना जुलाना कम है और ना रेड आर्मी कम है, एक तरफ कबड्डी का गढ़, कबड्डी की शान हरियाणा, और दूसरी तरफ रेड आर्मी की जान और मैन आर्मी की जो टीम है रेड आर्मी, वो अच्छे दो नंबर खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन, गेम स्लो हो गया है क्योंकि दो ड्राइवर पहुंच गया मुकाबला। पवन और बेस्ट रेडर की जो होड़ है, इन दो खिलाड़ियों के भी नाम है उस होड़ में, कितने नाम देखने को मिलेंगे उस होड़ में, निर्णय होगा लास्ट, कौन निकलेगा फाइनल, सुपर टेकर का मौका। चौधरी चरण सिंह जी की याद में पहलवान जो थे स्वर्गीय भाई, सभी उनकी याद में सम्मान में ये टूर्नामेंट कराते हैं, खानपुर दिल्ली का ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। बेहतरीन मुकाबला, सुपर टैकल ऑन, पवन इस समय है, रेफरी का निर्णय आना बाकी है, तीनों रेफरी बिल्कुल उस टाइम, चाहे की बात करें ऑफिशियल टाइम आउट दिया गया है, बिल्कुल भाई काले तारीख प्रदर्शन, बहुत टीमें आई हमारे पास लगभग करीब, आगे कुआ पीछे खाई, ये है डू ऑर डाई और ये मुकाबला ढंग हो जाएगा, और इसका प्रयास क्या मिला है, और रेफरी का निर्णय बोनस मिला है, पवन एक्शन में है, क्या एक और पॉइंट मिलेगा, कमाल का प्रदर्शन, पवन के समर्थक ऐसे हो गए हैं जैसे पवन सहरावत के समर्थक हो जाते हैं प्रो कबड्डी में, अच्छे
कमाल का खिलाड़ी, क्या वही काम यहाँ बरकरार रखेगा। चाहे बात करें रेड आर्मी की या जिन चुलाना की, दोनों ही टीमें काबिले तारीफ प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में। अक्षिन क्या यहाँ अपने ऑल आउट को बचा पाएंगे? अक्षिन के भी बहुत है सुपर रेड होनी थी लेकिन बचाव कर दिया रेड आर्मी ने, और दो पॉइंट के साथ एक बोनस और एक प्लस पॉइंट बचाव करते हुए उस ऑल आउट का। पवन फिर एक्शन में है, बहुत अंदर तक वार है, यहां से ऊपर क्या ऑल आउट मिला है रेफरी करेंगे। वन पॉइंट रेड आर्मी, एक पॉइंट और भाई, एक बार स्कोर थोड़ा टैली करा दें हमें। लास्ट खिलाड़ी अक्षय, वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते हुए आर्मी के कोर्ट में। ये मनु का इंटर होल्ड, कमाल का ये प्रदर्शन और पहला ऑल आउट मिलता हुआ। वन प्लस टू पॉइंट मिला है, दो बोनस और एक पकड़। एक बार स्कोर टैली करा दे सर हमें। बेहतरीन मुकाबला, आकाश आए हैं, युवा कबड्डी सीरीज का प्रतिनिधित्व किया था और इस समय एक समय है रेड आर्मी की तरफ से। तद छोटा नाम बहुत बड़ा कर दिया है इस खिलाड़ी ने भी। 10-5 फेवर और रेड आर्मी, 5 पॉइंट की लीड रेड आर्मी की जरूर है, लेकिन ये रेड आर्मी की जो लीड है ऐसे छट जाएगी जैसे हवा में चंद सेकेंडों में बादल छट जाते हैं, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन किया है जुलाना की टीम ने अभी तक। चेतन 7 नंबर खिलाड़ी, एक पॉइंट मिलता हुआ, बेहतरीन एफर्ट्स हुई और बहुत अनुभव इन तीनों रेफरियों को। चाहे बात सुखविंदर की करें या बात करें उज्जवल की, बेहतरीन प्रदेश क्या टच पॉइंट है, हिलाई लगाई और हैंड टच प्रयास किया और बाहर किया है मोनू को, जो कि लगातार टीम को परेशान कर रहे हैं जुलाना की टीम को। आकाश क्या पल्टी लगेगी? बोनस प्लस वन पॉइंट रेड आर्मी। धीरे धीरे मुकाबला एक लीड की तरफ बढ़ती हुई रेड आर्मी, लेकिन जुलाना की टीम भी बच कम नहीं है। काबले तारीफ प्रदर्शन होता सभी मुकाबले बहुत अंदर तकवार किया है। 7 नंबर खिलाड़ी क्या बेहतरीन खिलाएंगे, या टच पॉइंट मिला है रेफरी करने ने तालियों से अभिवादन किया है और पॉइंट मिला है। बिल्कुल भाई, इस ऑडियंस की भी तारीफ करनी होगी भाई, बहुत कमाल की ऑडियंस है। जब जरूरत होती है बिना कहे अभिवादन स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा ही होना चाहिए भाई। क्या ये लगती है? बिल्कुल रेफरी का निर्णय, 2 पॉइंट रेफरी का निर्णय, 2 पॉइंट रेड आर्मी। लगातार बेहतरीन रेफर से प्रदेश और उज्जवल जी करते हुए और थर्ड रेफरी हमारे बेहतरीन प्रदर्शन। शुभविंदर थर्ड रेड रेफरशिप कर रहे हैं और चेतन 7 नंबर खिलाड़ी। कमाल का ये गेम, कमाल का प्रदर्शन, किसके सरमदे का चेहरा, क्या बेहतरीन दोनों तरफ से भाई। ये होता ही है खेल भावना और जो ऑडियंस है लगातार समर्थन कर रही है खिलाड़ियों को,
आकाश फिर एक समय है क्या डुबकी लगेगी बेहतरीन और जबरदस्त पकड़ मिली है कमाल का प्रदर्शन डिफेंस का। पहले शुरू में जो अनाउंसमेंट हुई थी यही हुई थी कि ये जीत जुलाना का डिफेंस और रेड आर्मी के रेडरों के बीच मुकाबला है। कमाल का प्रदर्शन पांच का डिफेंस पवन ओवर मैन आर्मी की तरह काम करते हुए आकाश का सपोर्ट कुछ मुकाबलों में मिला है लेकिन यहाँ अगर यहाँ से अपनी टीम को सरताज बनाना है खानपुर का ताज अपने सर पर बांधना है एक और पॉइंट सवाल का प्रदर्शन चेतन फिर सात नंबर के साथ बेहतरीन मुकाबला और भाई जो हमारे ऑफिशियल हैं और जो सारी कमेटी है वो बैठी हुई है इंतजार में किसको बेस्ट रेडर का खिताब दिया जाएगा। बेस्ट रेडर की होड़ चल रही है फाइनल की होड़ चल रही है पवन एक बार फिर क्या कामयाब होंगे और कामयाब होंगे चेतन को पॉइंट मिले हैं लगातार लेकिन जो कुछ रेड मल्टी पॉइंट रेड हुई है पवन की तरफ से उसका असर यहां पर बोर्ड पर भी है। चेतन एक बार फिर आप जो मशा वाला है विवेक ने नौ नंबर खिलाड़ी सात नंबर छह पे भारी है लेकिन यहाँ सात से भी भारी है तेरह नंबर पवन जो खिलाड़ी एक और ऑल आउट दे देगा जिस टीम को क्या पवन फिर जाएंगे और आउट की तरफ जीत जुलाना की या चेतन जाएंगे छह छह का डिफेंस दोनों तरफ टीम पर आवरी पर बिल्कुल लेकिन एडवांटेज और जो माइंड में गेम चल रहा है रेड आर्मी के कि हम बढ़त में हैं उसका फायदा जरूर मिलेगा। अच्छे पहले अपनी रेड हुई थी चेतन की तरफ से क्या साथ देने के लिए आए क्या साथ मिलेगा नहीं है एक पैर बोनस लाइन के क्रॉस होना चाहिए और उसी समय दूसरा पैर हवा में बोनस का नियम ये कहता है अगर आपको बोनस चाहिए तो क्लियर करिए ऑफिशियल की टीम बिल्कुल बोनस देगी आपको। क्या बेहतरीन प्रयास क्या स्वीकार किया जाएगा निगाहें चौकन्नी और पैनी रेफरीशिप की पॉइंट मिला है आकाश का साथ जरूर मिला है कभी कभार और काम भी बढ़िया किया है रेडा में रेड आर्मी वर्सेस हरियाणा के बीच में ये मैच चलता हो दोस्तों मोनो कमाल का प्रदर्शन कर रहा है अगर बात की जाए तो राइट कॉर्नर में और दूसरी तरफ मोहित जिन जो लाना की तरफ से एक दो तीन या कितने पॉइंट मिलते हैं मल्टी पॉइंट रेड की है सुपर रेड की है चेतन ने और स्कोर को कुछ इंटरेस्टिंग पवन फिर एक समय है बोनस का प्रयास क्या करेंगे और अक्षित को क्या टच पॉइंट मिला है बोनस की मांग कर रहे थे लेकिन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया जो हमारी चौकन्नी चुस्त और दुरुस्त टीम है रेफरशिप की
फैंस लूज कर रहा है पॉइंट दोनों तरफ से। यार रेडर का प्रदर्शन कर रहे हैं नंबर के साथ। पहले हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, बोनस का प्रयास जरूर किया है लेकिन चौका नहीं निभाया सभी ने। एक एक पॉइंट पर ये मुकाबला है। समय काट रहे हैं, चार एफी करने हुआ, चार का डिफेंस, क्या भेज पाएंगे इस डिफेंस को चिकन। कमाल का ही खिलाड़ी, कमाल का ही गेम, फाइनल का मुकाबला। और चेतन को भार करने का मतलब है टीम को बैकफुट पर भेजना। क्या यहां से बैकफुट पर जाएगी टीम, यह रिवाइवल मिलेगा चेतन राज। कमाल का प्रदर्शन भाई, काबिले तारीफ प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। आकाश आए हैं, अगर यहां से पकड़ मिलती है तो चेतन का रिवाइवल बहुत दूर नहीं है। पहला रिवाइवल मिलेगा चेतन का। आकाश समय काटते हुए और एक बार स्कोर टैली करा दे थोड़ा। अच्छे दो नंबर के साथ पांच के डिफेंस में, क्या भेज पाएंगे इस डिफेंस को। लीड में जरूर है रेड आर्मी, पांच सिंह लीड भी है, बहुत अंदर तक गए हैं। एक पॉइंट और मिला है, 21-15 स्कोर हो गया है फेवरेट रेड आर्मी, 21-15 स्कोर। थर्ड रेड 209 डिसाइडेड रेड और जिनपा शमाला है पवन पे। पहला रिवाइवल चेतन का है, अगर यहां से टच पॉइंट ले जाते हैं तो अपने आप को सेव कर लेंगे और अगर पकड़ हो जाती है तो चेतन अंदर आएगी। सुपर टेन तो भाई बहुत समय पहले का हो गया, मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन मुकाबला है। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए, वन मैन आर्मी की तरह क्या काम करेंगे और अंकित का बेहतरीन एंकर हो, बोनस जरूर मिला है, टीम ऑल इन हो गई है, ऑल आउट मिला और टीम ऑल इन, मध्यांतर हो गया है। मध्यांतर के समय स्कोर में भाई बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया है, चेतन को रिवाइवल नहीं करा पाई टीम और ऑल आउट हो गई। मैंने बताया था चेतन पहली बार आउट हुई टीम, ऑल आउट हो गई, डिफेंस बेहतरीन है। और कमाल का प्रदर्शन पवन का, बेहतरीन गेम, नो सिग्नल, समय काटना चाहेंगे, लीड बहुत बड़ी है, 12 पॉइंट की लीड हो चली है। बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही टीमें बेहतरीन, बिल्कुल भाई जय होती हुई और जय बोल रही है ये हमारे इस टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले की। बोनस पॉइंट मिला है स्वर्गीय चरण सिंह पहलवान जी की याद में, ये आजादपुर दिल्ली में, खानपुर दिल्ली में चलता हुआ ये मुकाबला और फाइनल का मुकाबला। पांच का डिफेंस, खानपुर दिल्ली अपने आप के लिए भाई शुरू से ही जाना जाता है, गेमों की बात की जाए तो।
समय काटते हुए। चेतन सात नंबर खिलाड़ी एक्शन में है और एक्शन में लगातार रहे हैं शुरू से ही सारे मुकाबलों में। यहाँ भी बरकरार एक्शन, क्या लगेगी लगेगी कमाल के नीचे सामने से आए इनके और टैकल किया विवेक और अंकित का ये संयुक्त टैकल। अंकित कमाल का डिफेंड नहीं, गेम स्लो हो गया है क्योंकि लीड ज्यादा हो गई है, धीरे धीरे जो पड़ रहा है मार्जिन लीड का उसको कम करना चाहेगी पकाड़ी। इसको टैली कराएंगे एक बार, अच्छे दो नंबर खिलाड़ी का प्रयास बिल्कुल मिला है प्रयास एक पॉइंट और रेफरी का जो निर्णय है वो आना है और दो ढाई में पकड़ गए थे चार पॉइंट की पहली पॉइंट गई गई थी इस बार ने वो कवर को भाग किया है दो ढाई में रिस्क लिया था पकड़ के। एक बार स्कोर टैली करा देंगे सर, बहुत बेहतरीन मुकाबला फाइनल का मुकाबला जैसा होना चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है। लीड का मार्जिन कुछ भी हो मायने नहीं रखता है लेकिन टीमों ने जो गेम दिखाया है वो भरपूर, क्या बचाओ बेहतरीन गेम आकाश गए हैं क्या रिवाइवल करा पाएंगे मोनू का, जितनी जल्दी मोनू को रिवाइवल करा लेंगे टीम को मार्जिन मिल जाएगा क्योंकि जिस तरह चेतन बाहर गए थे टीम ऑल आउट हो गई थी और चेतन भी बाहर है ये भी देखना होगा क्योंकि दोनों मेन रेडर बाहर हैं और दोनों बेस्ट रेडर की भी दौड़ में है, दोनों टीमों के पास एडवांटेज। सपोर्ट रेडर के तौर पर अक्षित हैं जो कि जिंद जुराना की तरफ से है, 31-21 स्कोर है, एक पॉइंट और मिला है, 31-22 स्कोर हो गया है फेवरिंग रेड आर्मी। जिंद जुलाना की जो टीम है उसको अगर इससे उभरना होगा तो दो खिलाड़ी बाहर हैं रेड आर्मी के, 30 रिकॉर्ड करके और लगातार प्रदर्शन करें जो पिछले गेमों में दिखाया था। सामने से आए कमाल का साफ किया और रिवाइवल किसको कराया है, पवन को रिवाइवल करा लिया है और पवन शेरावत की तरह काम कर रहा है, चाहे आकाश में पवन चले ना चले लेकिन फाइनल में पवन चल रहा है। बोनस का प्रयास, बोनस पॉइंट का नियम ये बोलता है कि जो बोनस लाइन है उसके पार एक पैर होना चाहिए आपका और उसी समय दूसरा पैर हवा में होना चाहिए तब आपको बोनस क्लियर मिलेगा। पवन समय काटते हुए क्योंकि लीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से 32-22 स्कोर है, बिल्कुल सेकंड हाफ का एडवांटेज है, रिवाइवल मिलना है चेतन का। अगर आप बोनस लेकर भी जाएंगे रिव्यू का सिस्टम नहीं है भाई, अंतिम निर्णय और फाइनल निर्णय सिर्फ रिव्यू नंबर आ गया और एक नंबर आप आ गया प्लीज आप बिल्कुल भाई एक और गिरी और पॉइंट मिला था बोनस का बोनस अक्षित सपोर्ट रेडर का काम बेहतरीन कर रहे हैं और सामने से आकाश बार बार मोनू मोहित है मोहित के सामने शफलिंग कर रहे थे बार बार पैर दे रहे थे कि आप आइए और मुझे रोता दीजिए कि मैं पॉइंट लेकर जाऊं
अखिल आकाश को जो सपोर्ट मिलना था पवन का वो बेहतरीन मिला और पवन स्टार खिलाड़ी एक और क्या देखने को मिलेगी डिफेंस भी काम करता हुआ बेहतरीन सुपर टेकन का मौका है लगातार लीड बढ़ती जा रही है अगर यहां से एक और ऑल आउट मिलता है जिंद जुलाना की टीम को तो वन पॉइंट रेड आर्मी सामने से आए मोनू और कमाल का ये डिफेंडर भाई इस टीम में होड़ है मोनू की राइट कॉर्नर और सामने मोहित राइट कॉर्नर दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रेडर को आप जानते हैं मार्जिन मिल चुका है तीन पॉइंट और एक बार स्कोर और टैली करा दे थोड़ा और यहां पर जो सुगंध है जो हल्की हल्की महक है भीनी भीनी महक वो आने लगी है रेड आर्मी की टीम को स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो 80-20 मुकाबला हो चला है 1 लाख पर जो कब्जा करती दिख रही है यहाँ पर रेड आर्मी अभी तक लेकिन जुलाना ककाड़ी जो कि लगातार वापसी करने में माहिर क्या वापसी करेगी पवन अब समय काटना चाहेंगे क्या मुकाबला बिल्कुल शांत मुकाबला होगा दर्शक भी शांत हो गए हैं जैसा मुकाबला शुरू के हाफ में देखने को मिला था बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला था वो मुकाबला अभी तक नहीं आया क्योंकि चेतन को बाहर रखा था चेतन अब आया था क्या बेहतरीन बचा ये क्या हलचल पूरे कोर्ट का हलचल बचाती है एक बार स्कोर और टैली करा देगी बस ये वो गलतियां लगातार करवाते हैं आकाश और सपोर्ट रेडर का साथ खड़ा है नहीं जो रेडर है शुभेंदर जी हमारे पास आएंगे स्कोर की बात करें तो 40-26 स्कोर हो चला है फिर मार दिया है ये जो प्रेशर है फाइनल का प्रेशर क्या झेल नहीं पा रही है जिंद जुलाना का काड़ी 41-26 स्कोर हो चला है बहुत बड़ी बहुत बड़ा मार्जिन इंडियन आर्मी यहाँ पे विजेता हो चुके दोस्तों।